हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आप सबों का। आप लोग सब ठीक ही होंगे। हमारे झारखंड आज मैं अपने ब्लॉग पर चिकन बनाने जा रही हूँ। देहाती स्टाइल में मैं अभी चिकन बनाने जा रही हूँ। प्याज काट रही हूँ, ये देखिए प्याज काट रही हूँ, मसाला करके रखी हूँ। फिर पट्टा पर मसाला पीसने से टेस्ट अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट रही हूँ। टमाटर काट के रख लूँगी, सारा सामग्री को सब एक जगह व्यवस्था करके तब मैं गैस को ऑन करूँगी। टमाटर काट रही हूँ, प्याज व्याज सब काट लिए, धनिया पत्ता भी काट लिए, लहसुन भी थी। अब मैं सिलपट्टे पे मसाला पीसने जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं चिकन बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। चिकन का तैयारी हो रहा है। तेल गरम हो चुका है, अब हम शुरू करते हैं इसमें बनाने के लिए। पहले इलायची या दालचीनी डाल दिए, अब प्याज डाल रहे हैं। प्याज डाल रहे हैं, उसके बाद प्याज को भूंजेंगे। प्याज को मैं अभी भूंज रही हूँ, 5 मिनट तक इसे भूंजूंगी। जब तक ये लाल नहीं हो जाएगा तब तक मैं अभी चिकन को नहीं डालूंगी। तब तक इंडक्शन पर मैं चावल चढ़ाई हूँ। हम झारखंडियों का जब भी चिकन या मटन बने तो चावल के साथ में अच्छा लगता है खाने में। देखिए प्याज लाल हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। इसे पानी चू रहा है। प्याज लाल हो चुका है, मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। चिकन तो मैं लाल करके भूंजूंगी इसको। जब तक ये लाल नहीं होगा तब तक मैं इसे इसमें मसाला नहीं डालूंगी। अभी इसको भूंज रहे हैं। हल्दी डाल दिया, अब नमक डाल रहे हैं। नमक, हल्दी, टमाटर सब डाल दिए हैं। हमको चम्मच से अंदाज़ा नहीं लगता है, इसलिए हम हाथ से ही नमक डालते हैं। अपने हाथ का चुटकी से ही नमक उठाते हैं और डालते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं चावल पसा रही हूँ। चावल मेरा हो चुका है, मैं इसे चावल पसा रही हूँ। उधर मुर्गा भी भून जा रहा है, इधर मसाला भी मेरा तैयार हो गया है। अब मसाला से मैं उठाकर चिकन में डालूंगी। मसाला भी मेरा तैयार हो चुका है, अब मसाला मैं उठा रही हूँ। मसाला मेरा पिसा चुका है। सिलपट्टा का पिसा हुआ मसाला चिकन में डालने से बहुत अच्छा लगता है खाने में। मसाला भी हम पीस चुके हैं। अब मसाला तो डाल। देखिए दोस्तों चिकन अब बन चुका है, मसाला भुंजा गया है। इसमें हल्का पानी देंगे और इधर मैं चिकन का ही पचौनी या भोटी जिसको बोलते हैं, ये चिकन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी मैं चिकन मंगाती हूँ इसको ज़रूर मंगाती हूँ। और मुर्गा जब भी मैं मंगाती हूँ तो खड़ा मुर्गा लेती हूँ, और उसके बाद इसका जो वहीं से कटिंग करवा के लाती हूँ, उसका जो भी भोटी पचौनी बचता होता है उसको सब मैं मंगवा लेती हूँ। आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग झारखंड में इसको पचौनी या भोटी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, बन चुका है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल रहे हैं। धनिया पत्ता डाल के छोड़ देंगे। ये मेरा चिकन बन कर तैयार हो गया है। इधर इसको हम चढ़ा देते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा तेज ताव मारता है। चिकन बन चुका है, अब हम
खाने के लिए सबका खाना निकालना है दोस्तों। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जोहार झारखंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो दोस्तों, मुर्गा तो बहुत टेस्टी बना हुआ है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।